नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल के कोलार थाना क्षेत्र से दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है। बता दें कि यह मामला कोलार के साईनाथ नगर महाबली कोलार का है, जहां ससुराल पक्ष द्वारा पीड़िता को कम दहेज लाने पर शादी के 15 दिन बाद से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिस पर फरियादी महिला द्वारा काफी समझाइश के बाद भी ससुराल पक्ष ने अपनी मांग को नहीं छोड़ा, जिसके बाद पीड़ित महिला द्वारा ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज प्रताड़ना मामला दर्ज कराया गया। वहीं इस मामले में महिला थाना प्रभारी अंजना ध्रुवे ने बताया कि फरियादी महिला की शादी जनवरी 2023 में हुई थी। शादी के 15 दिन बाद से ससुराल पक्ष फरियादी महिला से कम दहेज लाने पर प्रताड़ित करने लगा था। टीआई ने बताया कि आरोपी पक्ष ने महिला से दहेज में 10 लाख रुपए की मांग पूरी न होने को लेकर प्रताड़ित कर रहा था, जिस पर महिला ने ससुराल पक्ष को कई बार समझाइश दी, लेकिन वह अपनी डिमांड पर अड़ा रहा, जिसके बाद महिला ने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है, आगे की कार्रवाई जारी है। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। मतलब एक दहेज प्रताड़ना का मामला आया है, लगभग 10 लाख रुपए की लेकर जो है महिला को प्रताड़ित किया है, क्या है पूरा मामला और कहाँ का है? मामला भोपाल शहर का ही है। पीड़िता ने फरियादिया ने बताया कि 2023 जनवरी में ही उसकी शादी हुई थी और शादी के 15 दिन बाद से ही ससुराल वाले उसे शादी में कम दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करने लगे और कहने लगे कि 10 लाख रुपए की बात हुई थी तुम्हारे परिवार वालों को, उन्होंने तुम्हें दिया नहीं तो हम तुमको नहीं रखेंगे। इस तरीके से उसके साथ मारपीट करने लगे। काफ़ी उसने सहने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, परिवार वालों ने भी समझाइश दी, लेकिन दोनों जो ससुराल पक्ष है वो 10 लाख की मांग लगातार कर ही रहे हैं। इसी बीच में महिला जो है महिला थाने में उसने काउंसिलिंग के लिए आवेदन दिया, उनकी काउंसलिंग हुई, दोनों पक्षों की आपस में बातचीत भी हुई, लेकिन वही दोनों में आपसी सामंजस्य नहीं बैठा और फरियादिया के द्वारा कल दिनांक को दहेज की मांग को लेकर FIR पंजीबद्ध कराई गई। पति के अलावा और कौन कौन आरोपी? पति के अलावा उनकी सास है और उनके जो है ससुर हैं और देवर मूलता वो लोग कोलार क्षेत्र में रहते हैं। क्या डिमांड कर रही थी? 10 लाख रुपये की मांग है, 10 लाख रुपए आने के बाद ही हम आपको रखेंगे। लड़की दोबारा मई में एक बार घर गई भी थी तो, लेकिन उनकी सास ने उन्हें घर से निकाल दिया कि बिना 10 लाख के हम तुझे घर के अंदर एंट्री नहीं देंगे। कहाँ का मामला है? मामला है ये साईनाथ नगर महाबली कोलार रोड का, आरोपी पक्ष नहीं। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।